तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DRDO STA B के बारे में, जो कि डिप्लोमा और BSc वालों के लिए वैकेंसी आता है। रेगुलरली हर एक दो साल में ही आता है। तो इसी वीडियो में हम लोग सब कुछ इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पोस्ट जो होते हैं वो सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोस्ट जो होते हैं इसमें सिर्फ BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट जो होते हैं वो BSc और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये वैकेंसी आता है STA B, इसके साथ ही साथ टेक A का भी वैकेंसी आता है, जिसमें कि ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ STA B के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं, इसका सैलरी क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और जैसे बाकी सारा जो पोस्ट होता है डिप्लोमा फ्रेशर के लिए, जैसे टाटा स्टील की तरफ से JET आता है, उसमें एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। AMNS में जैसे प्राइवेट कंपनी से बहुत सारे AMNS 4 साल का होता है, और बाकी सारा ज्यादातर कंपनीज में 1 साल का होता है। सेल में अगर जाइएगा तो 2 साल का होता है। लेकिन जो DRDO STA B का पोस्ट है, इसमें कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता है। और बाकी सब जितना भी सारा डिप्लोमा का पोस्ट है उसके कंपैरिजन में DRDO का सैलरी बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। तो ये सब आपको कंप्लीट इस वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद फिर इसका इंटरनल प्रमोशन का क्या सिस्टम है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो इसका वैकेंसी आया था 2022 में आया था, सितंबर या अक्टूबर के टाइम आया था, और इसका एग्जाम जो हो गया था दिसंबर में हो गया था 2022 में। उसके बाद 2023 में इसका कोई वैकेंसी नहीं आया। 2024 में हो सकता आ जाए, लेकिन मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पहले से पता रहेगा तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको ये पहले से पता रहे और आप इसके बारे में पहले से अवेयर रहें, और अगर प्रिपेयर करना हो तो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब 2022 में जो वैकेंसी आया था वो DRDO सेप्टम 10 के नाम से आया था। अब जो आगे नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है, जब भी आए, वो DRDO सेप्टम 11 के नाम से आएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि कौन कौन सा ब्रांचेज इसमें एलिजिबल रहता है। तो सबसे पहले हम लोग डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे, डिप्लोमा से कौन कौन से ब्रांचेज इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो जो कोई भी 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं 3 ईयर का, या फिर 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, उसमें जो जो ब्रांचेज एलिजिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारा ब्रांच। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर और सारा बहुत और अदर ब्रांचेस भी है, जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ ब्रांचेस है। ये सब सारा एलिजिबल रहता है इस मतलब जितना भी पोस्ट निकलता है, अलग अलग पोस्ट निकलता है, सब पोस्ट के लिए अलग अलग ब्रांचेस एलिजिबल रहते हैं। तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कोई BSc वाले देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इस डिसिप्लिन से या फिर कौन कौन से डिग्री वाले एलिजिबल रहते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो BSc से डिग्री किए हुए वो एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री या केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाले, ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए था जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई होगा। अब मैथमेटिक्स के साथ अगर PCM किए हैं या फिर PCMB किए हैं वो भी एलिजिबल है। फिजिक्स अगर किए हैं, जो भी कैंडिडेट्स है PCM किए हैं या PCB किए हैं वो भी एलिजिबल है। फोटोग्राफी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये सब से अगर कोई भी BSc डिग्री किए हुए वो भी इस सब पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब डिटेल नोटिफिकेशन आपको 2022 का तो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगा उसका अगर जब भी आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा ब्रांचेस एलिजिबल है। और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर एक ब्रांच मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब STA B का जो एज लिमिट भी दिया हुआ, मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम 28 ईयर्स में फिर आपको अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता, तो वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। तब हम लोग बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 एग्जाम्स में डिवाइडेड है, मतलब एक तो है Tier 1 और Tier 2। Tier 1 जो होता है वो बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए होता है, जिसमें कि एक तरीके से सबको छांटा जाता है जितना भी लोग फॉर्म भरे हैं, तो ये मतलब आपको फिल्टर करने के लिए होता है। अब जो इसमें क्वालिफाई होते हैं वो Tier 2 में जाते हैं। Tier 2 में जो आपका स्कोर आएगा उसी से मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसका ज्यादा स्कोर आएगा उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो बस यही है सिलेक्शन प्रोसेस। तो मतलब मेन स्कोर जो है Tier 2 का है, जिसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और लेकिन Tier 2 में जाने के लिए आपको Tier 1 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें जान लेते हैं कि Tier 1 में क्वालिफाई करने के लिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 120 क्वेश्चन आएगा, 120 मार्क्स का, टोटल 90 मिनट्स मिलेगा इसके लिए। अब ये 120 क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक से आएगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, और इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद GK रहेगा। ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने वाला है जो कि Tier 1 में है। अब ये जो एग्जाम होगा ये CBT मोड पे होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भूल जाना आपको मिलने वाला है। और अब जो टेस्ट होने वाला है उसका एग्जाम सेंटर भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कौन कौन से सिटीज है। वो 2022 में था, अब 2023 मतलब नेक्स्ट
जो वैकेंसी आएगा उसमें हो सकता है और भी ऐड हो जाए, मतलब पता नहीं, लेकिन ये 2022 का है, आप देख लो। अब टायर वन में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तब टायर टू का एग्जाम पैटर्न भी जान लो। अब जो टायर टू में जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है वो है 100 क्वेश्चन आएगा आपका डोमेन से, डोमेन मतलब जो भी आपका जिससे भी आप डिग्री किए हैं या फिर जिससे भी आप डिप्लोमा किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब जो टोटल 100 क्वेश्चन है उसके लिए आप टोटल 100 मार्क्स होने वाला है और टोटल आपको इसके लिए 90 मिनट्स मिलने वाला है। तो 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स 90 मिनट्स मिलने वाला है, जो कि आपका डोमेन से आएगा, जो भी आप डिग्री या डिप्लोमा किए हैं जिस भी फील्ड ब्रांच से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसमें जो मार्क्स आएगा, इसमें जो आपका स्कोर आएगा उसी को कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर आएगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें जाने के लिए आपको टायर वन भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब ये दोनों का सिलेबस अवेलेबल है पॉलिटेक्निक वाले वेबसाइट पे, आप जाके देख सकते हो या सिंपली सर्च कर सकते डीआरडीओ एसटीए बी सिलेबस पॉलिटेक्निक वाले, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना और नोट डाउन कर लेना कॉपी में। उसके बाद अगर आपको प्रिपेयर करना रहेगा तो आपका मर्जी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले अप्लाई करते टाइम, मतलब इसमें जो बाकी फॉर्म फिलअप करते टाइम नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वही लगता है, इसमें भी ऐसा कुछ अलग नहीं लगता है। जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि मार्कशीट लगेगा। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का मार्कशीट, अगर बीएससी किए हैं तो बीएससी का मार्कशीट, उसके बाद 10th का मार्कशीट लगेगा, और अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो आपको 12th का भी, और अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं तो अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो 12th का भी लगने वाला है। उसके बाद एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये तो लगेगा ही आपका। उसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जो कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट ये सब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आपका फोन नंबर और ईमेल जो कि एक्टिव होना चाहिए, जो भी अपडेट आएगा आपका ईमेल में आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, जब इसका फॉर्म आएगा कहीं और आपको नहीं जाना है अप्लाई करने के लिए, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट में ही अप्लाई होता है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा और सबमिट कर देना पड़ेगा, और अप्लाई करते टाइम आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है 100 रुपीज। अब हम लोग फाइनल बात कर लेते हैं इसका सैलरी के बारे में, जो एसटीए बी का पोस्ट है उसमें आपको सैलरी कितना मिलने वाला। तो जो सैलरी है वो आपका जब आप ज्वाइन कीजिएगा फर्स्ट ईयर में उस टाइम आपका ग्रॉस पे बनने वाला 50,000 के अराउंड 50,000। उसमें जो आपका डिडक्शन होगा वो जो इंश्योरेंस मिलता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस, वो दोनों को लेके मिला के 1,000 के अराउंड आपको डिडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद आपका जो इनहैंड आने वाला है मतलब आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आने वाला 49,000 के अराउंड। कुछ इंक्रीमेंट्स के बाद जो आपका सैलरी बनेगा, जो मतलब लगभग 3 इंक्रीमेंट के बाद जो मुझे पता चला है बाकी वीडियोस देख के, 58,000 से 59,000 के अराउंड आपका ग्रॉस पे बनने वाला। उसके बाद उसमें फिर डिडक्शन होगा आपका, पहले तो लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का हो रहा था, अब साथ ही साथ आपका एनपीएस का भी होगा, जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है पेंशन, मतलब इसके बाद इससे आपका आफ्रीका पैसा काट के फिर आपका पेंशन के लिए एनपीएस अकाउंट में डाला जाएगा, जो कि रहेगा आफ्रीका लेकिन आपको मिलेगा 60 साल, मतलब जब आप रिटायर कर जाओगे तब 60 साल पूरा हो जाएगा तब उस टाइम आपको मिलने वाला है। तो ये जो पैसा है उस वो लगभग मतलब 4,500 के अराउंड कटेगा, और फिर जैसे जैसे मतलब इसको आप शायद कंट्रोल भी कर सकते हो कि कितना परसेंटेज आपको देना है, लेकिन जो मुझे सैलरी स्लिप में दिखा था उसमें कटा था 4,500 के अराउंड, और जो आपका इंश्योरेंस है वो 500 के अराउंड कटा था उसमें, तो लगभग 5,000 का अराउंड डिडक्ट होगा, जिसके बाद आपका इनहैंड सैलरी आने वाला है 53 से 54 के अराउंड, मतलब 53,000 से लेके 54,000 के अराउंड 2-3 इंक्रीमेंट के बाद, और जो फर्स्ट जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम आपका 49,000 के अराउंड आने वाला है। तो इतना जो सैलरी है ये फर्स्ट ईयर से ही मतलब जो मिलने वाला है, तो इसमें कोई ट्रेनिंग पीरियड तो होता नहीं, तो आपको फर्स्ट ईयर से ये सैलरी मिलने वाला है, और बाकी जितना और भी कंपनीज है और किसी कंपनीज में ये सैलरी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाला। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल जो प्रमोशन स्कीम है उसके बारे में। ये जो इंटरनल प्रमोशन स्कीम है ये असेसमेंट के बेस्ड पे होता है, आपको एक असेसमेंट देना पड़ेगा इंटरनल मतलब, और ये हर 5 साल में होता है। जैसे आप एंट्री कीजिएगा उस टाइम आपका पोस्ट होने वाला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी एसटीए भी, उसके बाद 5 साल बाद फिर आप जब टेक्निकल ऑफिसर ए का मिलने वाला है, उसी तरह फिर आपका नेक्स्ट जो हर 5 साल में जो प्रमोशन होता जाएगा उसके बाद वही आगे बढ़ते जाएगा टेक्निकल ऑफिसर ए, टेक्निकल ऑफिसर बी, फिर टेक्निकल ऑफिसर सी, और जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ते जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे भी बनते जाएगा। जैसे ये तो प्रमोशन तो ये सबको मिलने वाला है, लेकिन इसमें एक और प्रमोशन होता है जिसमें कि आपका अलग पोस्ट में साइंटिस्ट बी भी बन सकते हो। साइंटिस्ट बी बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन बढ़ाना होगा, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा करके अगर जा रहे हो तो आपको बीटेक या फिर बीई करना पड़ेगा ज्वाइन करने के बाद, अगर आप बीएससी करके जा रहे हो तो उसमें आपको एमएससी करना पड़ेगा डीआरडीए ज्वाइन करने के बाद। अगर आप पहले से किए हुए हो लेकिन ज्वाइन करते वक्त अगर आप उसको छुपा रहे हो कि डिप्लोमा के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो भी आपको दोबारा से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी रहता है कि इस डिप्लोमा के बाद कोई और हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए या फिर बीएससी के बाद कोई और हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए अप्लाई करते टाइम। अब इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि जो ये साइंटिस्ट बी में अगर आपको जाना है, अगर आप कर लेते हैं कहीं से बीटेक, अगर आपको पता नहीं है कि मतलब जॉब करते करते बीटेक कैसे करना है, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा। साइंटिस्ट बी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए इंटरनल एग्जाम जिसका नाम है LDCE, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसका भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला तो मैं बता ही दिया, अगर आप बीएससी करके गए तो एमएससी किया हुआ होना चाहिए, अगर आप डिप्लोमा करके गए तो बीटेक किया होना चाहिए, प्लस इसमें साथ ही साथ आपका 5 साल होना चाहिए जो डीआरडीओ में ज्वाइन किया हुआ, और आपका जो पोस्ट होना चाहिए
चाहिए वो टेक्निकल ऑफिसर ए होना चाहिए। तो 5 साल मतलब ज्वाइन करने के 5 साल बाद ही आप इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होइएगा। और एलिजिबल होने के बाद भी मतलब ऐसा कोई साइंटिस्ट भी बन नहीं जाता, उसमें भी आपका इंटरनल एग्जाम होगा। अब बहुत लोग अप्लाई करेंगे, जो भी मतलब बहुत लोग में क्या मतलब जो लोग DRDO ज्वाइन किए हुए हैं वही लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, फिर आपको साइंटिस्ट बी का पोस्ट मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है DRDO STAB के पोस्ट पे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें बहुत सारा पोस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक पोस्ट का अलग अलग जॉब प्रोफाइल होने वाला है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही हो। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो कौन कौन सा पोस्ट निकलता है इसका, उसके बाद उसको स्पेसिफिकली सर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपका मेनली काम होने वाला है, आपका सीनियर को असिस्ट करना रहेगा, पहला डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना रहेगा, फाइल अपडेट करना रहेगा, मेंटेन करना रहेगा जितना भी डेटा है उनको, रिसर्च पेपर पढ़ के फिर उसको असिस्ट करना पड़ेगा अपने सीनियर को, बहुत सारे टेस्टिंग और एनालिसिस भी किया जाता है लैब में, वो सब भी आपको करना पड़ सकता है, या फिर जो कर रहे हैं उनको असिस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ काम हो सकता है आपका, लेकिन अलग अलग ब्रांच का अलग अलग काम होने वाला है। मतलब अलग अलग पोस्ट जो निकलता है उसका सबका अलग अलग काम होने वाला है। इसका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो पूरे इंडिया में कहीं मतलब बहुत सारा लोकेशन है, अलग अलग पोस्ट जो है वो उसका अलग अलग जॉब लोकेशन है, ये भी आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। और वैसे आपको प्रेफरेंस से पूछा जाएगा फॉर्म फिलअप के टाइम, जो भी आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका अवेलेबल जॉब लोकेशन रहेगा उसमें से आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि पहले आपको मतलब कौन सा कंसिडर कीजिएगा अगर मिलता है तो अभी आप फॉर्म फिलअप के टाइम सेलेक्ट कर लेना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आ गए तो मतलब बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो लास्ट तक देखना बहुत बड़ा बात है। तो जो जो लास्ट तक देखें वो नीचे कमेंट कर देना, एक फायर इमोजी डाल देना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।